स्त्री टून ने केवल दोस्तों केवल 3 दिन के भीतर केवल 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 3 दिन के भीतर अपनी पहले पार्ट का स्त्री वन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इंडिया लेवल का, इंडिया ग्रोस का, ओवरसीज का, वर्ल्ड वाइड बेस का। आप देख के हक्के बक्के रह जाओगे मेरे दोस्त मेरे मित्र कि क्या तगड़ी कमाई कर डाली, लिटरली बाप लेवल की कमाई कर डाली है स्त्री टू ने। अगर भाई इसका क्लैश नहीं होता ना तो ये आराम से जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ देती आँख बंद करके। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में फिल्म की डे 4 की संडे की 18 अगस्त की सारी कमाई के बारे में, आप देख के हक्का बक्का रह जाओगे। ये देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ फिल्म की दोस्तों कि जो इसके पहला पार्ट आया था ना उसका इंडिया नेट था 130 करोड़ लाइफ टाइम, एंड अपनी स्त्री टू ने 3 दिन के अंदर कमा ली 145 करोड़, यानी कि 15 करोड़ एक्स्ट्रा। स्त्री वन का इंडिया ग्रोस था 167 लाइफ टाइम, एंड अपनी स्त्री टू का है 3 दिन के अंदर 171, 4 करोड़ एक्स्ट्रा। स्त्री वन का ओवरसीज था 14 करोड़, एंड अपनी का 25 करोड़, करीब करीब 6+5 11 करोड़ एक्स्ट्रा। स्त्री वन का लाइफ टाइम था वर्ल्ड वाइड बेस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 181 करोड़, एंड अपनी स्त्री टू का 3 दिन का ही 196 करोड़ हो चुका दोस्तों। अब बात करते हैं फिल्म की डे 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, आप सबकी डिमांड पर लेके आ चुका हूँ दोस्तों। जहाँ पे अपनी स्त्री टू ने डे 4 पे संडे के लिए बुकिंग करी थी महाराष्ट्र में 4.8 करोड़ की, दिल्ली में 4.5 करोड़ की, कर्नाटक में 2.1 करोड़ की, यूपी में 1.5 करोड़ की, गुजरात में 1.3 करोड़ की, वेस्ट बंगाल में 1.1 करोड़ की, राजस्थान में 93 लाख की, एमपी में 83 लाख की, तेलंगाना में 77 लाख की, ओडिशा में 51 लाख की बुकिंग करी थी संडे को 18 अगस्त को। इसके चलते फिर हमने बुकिंग मार ली थी इंडिया ग्रोस 21.6 करोड़ की बुकिंग थी फिल्म की, टिकटें सोल्ड थी 7.4 लाख। बट बात करें इसकी विदाउट ब्लॉक सीट, वो बुकिंग थी 17.7 करोड़ की, करीब करीब 18 करोड़ की इसने बुकिंग कर ली थी एक्चुअल ऑर्गेनिक ऑथेंटिक पेटीएम बुक मास्टर ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के। इसने कुल टिकटें बेच दी थी 5,31,00,000 के आसपास। इसने बुकिंग के चलते अपने डे 4 के लिए 11,000 से ऊपर शो लगा दिए, और उसमें इसके 2000 शो हाउसफुल होने वाले थे कुछ ही मिनटों में कुछ ही पलों में, एंड इसने 37 शो सोल्ड आउट मार दिए थे दोस्तों। यानी कि फिल्म ने अपने डे 4 पे अब संडे को कमा लिए हैं। आप देख के भाई हक्का बक्का रह जाओगे। महाराष्ट्र में 15.5 करोड़, दिल्ली में 12.8 करोड़, यूपी में 6.1 करोड़ दोस्तों, गुजरात में 5 करोड़, कर्नाटका में 3.7 करोड़, वेस्ट बंगाल में 3.4 करोड़, राजस्थान में 3.3 करोड़, एमपी में 3.2 करोड़, तेलंगाना में 1.5 करोड़, छत्तीसगढ़ में 1.3 करोड़, एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया से 9.2 करोड़ तक। दोस्तों फिल्म ने सबसे अधिक ऑक्यूपेंसी मारी थी लिटरली 98% की कर्नाटका में, 90% की वेस्ट बंगाल में, 98% की तेलंगाना में, 99% की छत्तीसगढ़ में दोस्तों, 84% की महाराष्ट्र में, 97% की दिल्ली में, 97% यूपी में, गुजरात में हालांकि 49% की ऑक्यूपेंसी थी। सबसे ज़्यादा इसने कमाई करी नेशनल चेन डाटा में, पीवीआर में 15 करोड़, आईनॉक्स में 13 करोड़, सिनेपोलिस में 7 करोड़ इसने कुल कमाई है नेशनल चेन डाटा में 36 करोड़ 91 लाख के आसपास दोस्तों। इसने कुल टिकट आप बेची थी 9 लाख से ऊपर की, शो लगाए थे 4400 के आसपास। यानी कि दोस्तों फिल्म ने अपने डे 4 पे संडे को 18 अगस्त को दोस्तों, यानी कि आज पूरा डाटा सामने आ चुका है, 82% की ऑक्यूपेंसी मारी ओवरऑल इसने कमाए हैं अपने डे 4 पे संडे को 18 अगस्त को। इंडिया ग्रोस 64,61,60,164, इसका इंडिया नेट निकल के आता है 55,16,05,393 के आसपास। फिल्म ने कुल टिकटें बेच दी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ऑल ओवर द इंडिया 21,85,407, इसने कुल शो लगाए हैं 11,575 अपने डे 4 पे संडे को, सील पैक डन, लिटरली 55 करोड़ की कमाई कर डाली दोस्तों, लिटरली एग्जैक्ट, हे भगवान। यानी कि जो फिल्म का डे 1 था इंडिया नेट 65 करोड़, डे 2 का था 35 करोड़, फिल्म ने डे 3 पे 12 करोड़ की बुकिंग करके कमाए थे इंडिया नेट 45 करोड़, इंडिया ग्रोस 54 करोड़, ओवरसीज से 5 करोड़, एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस से 59 करोड़ तक दोस्तों। वही फिल्म ने अपने डे 4 पर संडे को 18 अगस्त को 18 करोड़ की बुकिंग करके कमाई है इंडिया नेट 55 करोड़, इंडिया ग्रोस 65 करोड़, ओवरसीज से 15 करोड़, एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस 80 करोड़ तक दोस्तों। यानी कि फिल्म का 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आता है
बुकिंग के मामले में 63 करोड़, इंडिया नेट 4 दिन का 200 करोड़, इंडिया ग्रोस 237 करोड़, ओवरसीज से 40 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रोस से 277 करोड़। दोस्तों अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपने फिल्म देख ली है थिएटर में तो फिल्म कैसी है, ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर? प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।